सेल्फ इम्पीडेंस। देखिए हम देख रहे हैं सेल्फ इम्पीडेंस क्या होता है। क्या होती है जब ट्रांसमिशन लाइंस जो होती हैं उसमें क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, एंटीना का इम्पीडेंस जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। कब होता है? जब ट्रांसमिशन लाइन रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ पावर को कैरी करती है ट्रांसमीटर कनेक्शन के थ्रू, तब इम्पीडेंस क्रिएट होता है। ये जो पॉइंट होता है इनपुट पे, यानी कि वो पॉइंट जहां से एंटीना की इनपुट जा रही है, इनपुट अप्लाई की जा रही है ट्रांसमीटर पे, तो उसको एंटीना इनपुट इम्पीडेंस बोलेंगे। जब जहां से इनपुट जाती है उसे क्या बोलेंगे, एंटीना इनपुट इम्पीडेंस। और जो इम्पीडेंस होता है आरएफ पावर का ट्रांसमीटर पे, जब उसे फीड किया जाता है उसे फीड पॉइंट इम्पीडेंस बोला जाता है। जो इम्पीडेंस होगा ट्रांसमिशन लाइन का, जो ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस ऑपरेट करेगा, वो जो होगा उसे उस इम्पीडेंस को हम ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस भी बोलते हैं, या फिर टर्मिनल इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। एंटीना की इनपुट फीड की जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से, या फिर ड्राइविंग पॉइंट से, या फिर ये भी कह सकते हैं कि टर्मिनल इम्पीडेंस उसे बोल सकते हैं। जो क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सप्लाई है पावर की, वो सप्लाई मैक्सिमम पावर जो होगी ट्रांसमीटर से वो फीड की जाएगी एंटीना पे, और ऐसे ही एक्सट्रैक्ट रिसीवर पे भी एक्सट्रैक्ट की जाएगी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर को, जो एनर्जी होती है एंटीना में उससे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हमारे पास ये है ट्रांसमिशन लाइन और ये है हमारा एंटीना। ये क्या है? एंटीना। ये है ट्रांसमिशन लाइन और ये है एंटीना के टर्मिनल्स। अगर हमारा एंटीना लॉसलेस है, देखिए ये टू टर्मिनल नेटवर्क है, ठीक है। अब अगर हमारा एंटीना एक लॉसलेस है, लॉसलेस मतलब जिसमें से कोई भी हीट लॉस नहीं होगी, और आइसोटोपिक एंटीना है, उस केस में जो इम्पीडेंस होगा एंटीना का वो ट्रांसमिशन लाइन पे जाएगा। उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं दो टर्मिनल, इसमें दो टर्मिनल नेटवर्क है, जैसे कि इस एंटीना में है दो टर्मिनल नेटवर्क। तो पूरा एंटीना सिस्टम को हम दो टर्मिनल नेटवर्क एंटीना सिस्टम में रिप्लेस करते हैं एक इक्विवेलेंट इम्पीडेंस पे, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस जो कि जेड एल होगा। अब अगर एंटीना लॉसलेस है, जैसे कि इसको क्या कर दिया हमने, रिप्लेस कर दिया इक्विवेलेंट इम्पीडेंस से, ट्रांसमिशन लाइन है जेड एल से, ये इक्विवेलेंट लोड है। तो यहां पे ये क्या है, टर्मिनल, एंटीना के टर्मिनल जो कि ये वाले टर्मिनल थे, यहां पे हमने जेड एल लगा दिया लोड इम्पीडेंस। तो अगर एंटीना लॉसलेस है और आइसोलेटेड एंटीना है, आइसोलेटेड जो कि ग्राउंड से दूर है, अवे है और दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो जो एंटीना टर्मिनल इम्पीडेंस है जेड एल है। अगर हमारा एंटीना ग्राउंड से दूर है या किसी और ऑब्जेक्ट से या किसी और एंटीना से दूर है, उस टाइम पे जो एंटीना टर्मिनल का इम्पीडेंस होगा वो क्या, यानी कि जो जेड एल होगा वो उतना ही होगा जितना एंटीना का अपना इम्पीडेंस है, यानी कि सेल्फ इम्पीडेंस जेड वन वन जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो ट्रांसमीटर का अपना इम्पीडेंस है वही होगा। किस कंडीशन में? अगर एंटीना ग्राउंड से दूर है, ठीक है, लॉसलेस है, आइसोलेटेड है और अवे फ्रॉम ग्राउंड है, ठीक है ना, उस टाइम पे। तो इसको हम सेल्फ इम्पीडेंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेल्फ ट्रांसमिटिंग एंटीना के लिए हम सेल्फ इम्पीडेंस को, एक एंटीना की बात कर रहे हैं उसका इम्पीडेंस, सेल्फ इम्पीडेंस जेड वन वन जो इज इक्वल टू होगा आर वन वन प्लस जे एक्स वन वन के इक्वल। जेड वन वन क्या है? सेल्फ इम्पीडेंस। आर वन वन क्या है? सेल्फ रेजिस्टेंस या फिर रेडिएशन रेजिस्टेंस। एक्स वन वन क्या है? ये सेल्फ रिएक्टेंस है एक एंटीना का। और अगर हम हाफ वेव सेंटर्ड फीड एंटीना की बात करें तो उसका जो सेल्फ इम्पीडेंस होता है वो होता है Z11 जो इज इक्वल टू होगा R11 जो कि 73 होगा,
प्लस जे एक्स वन वन यानी जो कि 42.45 ओम होगा, इस तरह से इसे लिया जाता है। तो लॉसलेस और आइसोलेटेड एंटीना में जो सेल्फ इंपीडेंस होता है वो जेड वन वन होता है और इसका जो टर्मिनल इंपीडेंस है वो क्या है, जेड एल। ये क्या है, टर्मिनल इंपीडेंस जो कि है जेड एल। अब जो सेल्फ इंपीडेंस है जेड वन वन है जो कि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, आर वन वन जो कि सेल्फ रेजिस्टेंस है या रेडिएशन रेजिस्टेंस है, और एक्स वन वन जो कि सेल्फ रिएक्टेंस है। अब इसमें ये तो हमने लॉसलेस एंटीना की बात की और आइसोलेटेड एंटीना की बात की। अगर एंटीना अवे फ्रॉम ग्राउंड है या किसी दूसरे एंटीना से ऑब्जेक्ट से दूर है, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर एंटीना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पास है, दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे कि कोई भी एक्टिव एंटीना के पास है, एक एंटीना अगर दूसरे एक्टिव एंटीना के पास है तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम पे जो टर्मिनल इंपीडेंस होगा वो क्या रहेगा, वो उस टाइम पे भी टर्मिनल टू नेटवर्क ही है वो, मगर कुछ चेंजमेंट आएंगे। वो क्या चेंजमेंट होंगे कि जो टर्मिनल इंपीडेंस है वो मॉडिफाइड हो जाएगा क्योंकि इस टाइम पे वो किसी और एक्टिव एंटीना के पास है। तो मॉडिफाइड कैसे हो गया, क्योंकि अब उसका कोई सेल्फ इंपीडेंस नहीं रहेगा। सेल्फ इंपीडेंस तब तक है जब तक कि वो अलग है, सेपरेट है और दूसरी चीजों से दूर है, किसी एक्टिव चीजों से दूर है जो एक्टिव है। तो इस टाइम पे अगर हम अकेले हैं तो हम फ्रीली किसी भी चीज को कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ग्रुप में हैं तो हम किसी भी चीज को फ्रीली नहीं कर सकते। यही कंडीशन एंटीना के साथ होती है कि अगर वो किसी और एंटीना के पास है, किसी और एक्टिव एंटीना के पास है, तो उसमें म्यूचुअल इंपीडेंस आएगा, जो उसमें होगा म्यूचुअल इंपीडेंस होगा। किसकी वजह से वो म्यूचुअल इंपीडेंस किसकी वजह से आएगा, वो एंटीना, एक एंटीना जब किसी एक्टिव एंटीना के पास जाएगा या एक्टिव एंटीना के पास होगा, तो उस एक्टिव एंटीना की होने की वजह से जो एंटीना है, दूसरा एंटीना है, उसमें चेंजमेंट्स आएंगे, ठीक है, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या होगा, उसके जो नेबर एक्टिव एंटीना के होने की वजह से जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, जो एग्जिस्टेंस हो रही है, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो चेंजमेंट आएंगे। तो वो क्या होगा, उस टाइम पे उसमें सेल्फ इंपीडेंस नहीं रहेगा। सेल्फ इंपीडेंस क्या होता है एंटीना का, वो एक इनपुट इंपीडेंस होता है, ठीक है। सेल्फ इंपीडेंस एज अ इनपुट इंपीडेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि जो सारे एंटीना है, अगर सारे एंटीना को एक पर्टिकुलर एंटीना से रिमूव कर दिया जाए और उस टाइम पे जो उस एंटीना का इंपीडेंस है वो उसका सेल्फ इंपीडेंस है, अगर वो किस सब चीजों से दूर है, तो उस टाइम पे वो जो एंटीना है वो उसका सेल्फ इंपीडेंस है। लेकिन वो अगर किसी और चीजों के आसपास है, एक्टिव एंटीना से है, तो उस टाइम पे उसका सेल्फ इंपीडेंस नहीं रहेगा क्योंकि वो इफेक्टेड होगा अपने आसपास की चीजों से। तो इसमें क्या है, जो सेल्फ इंपीडेंस होता है एंटीना का, वो क्या होगा, किसी भी एंटीना का जो सेल्फ इंपीडेंस होगा वो पॉजिटिव रहेगा। सेल्फ इंपीडेंस की बात करें, अगर हम दूसरे के पास आते हैं म्यूचुअल में आ जाता है, वो सेल्फ नहीं रहता। तो जो सेल्फ इंपीडेंस होगा किसी भी एंटीना का वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो वैल्यू होती है सेल्फ इंपीडेंस की, जो चाहे हम ट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं चाहे हम रिसीवर की बात कर रहे हैं, तो जो वैल्यू होती है वो ट्रांसमीटर ट्रांसमिशन के लिए भी और रिसेप्शन के लिए भी, दोनों के लिए सेम रहती है। तो जो सेल्फ इंपीडेंस होगा वो क्या होगा, जेड वन वन। तो इसमें क्या होगा, जो रिएक्टिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा, एक्स वन वन। एक्स वन वन क्या है, सेल्फ रिएक्टेंस। तो जो एंटीना रेजोनेंट है एक्स वन वन इज इक्वल टू जीरो होगा, और जो एंटीना लेंथ है वो क्या होगी, अगर शॉर्टेड होती है एक बिट, पर्टिकुलर बिट पे शॉर्टेड होती है, तो जो हमारे जो रेडिएशन रेजिस्टेंस होते हैं सेल्फ एंटीना के, अगर हम हाफ वेवलेंथ की बात करते हैं, बात कर रहे हैं हाफ वेव एंटीना की, हाफ वेव लेंथ की, तो उसमें एक्स वन वन जो होता है वो जीरो होता है हाफ वेव लेंथ की। उस टाइम पे जो एक्स वन वन होगा वो जीरो होता है,
और R11 जो होता है वो 70 ओम होता है, उसमें 73 ओम नहीं लिया, 70 ओम इसे लिया जाता है और यही सेल्फ इंपीडेंस को रिप्रेजेंट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।